नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। दोस्तों, 17 फरवरी से रणजी ट्रॉफी का आगाज हुआ। रणजी ट्रॉफी में बिहार का पहला मैच मिजोरम से चल रहा है। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए बिहार की टीम ने 686 रन ठोके थे, जिसमें साकिब उल गानी ने अपने इस डेब्यू मैच पर तूफानी 13 शतक जड़ा। साकिब उल गानी के इस बेमिसाल पारी के लिए उन्हें लगातार बधाई मिल रही है और अब खुद सचिन तेंदुलकर ने गानी को लेकर एक ट्वीट किया है। दोस्तों, भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर के इस ट्वीट के बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अवेन्यू स्पोर्ट्स क्रिकेट एकेडमी की डिटेल्स दी हैं। अगर आपको एक अच्छी क्रिकेट एकेडमी की तलाश है दोस्तों, तो आप इसे जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, तो आप चेक कर लें। वहां पे आपको आईपीएल प्लेयर्स ट्रेनिंग देते हैं। अब बात करते हैं गानी के विस्फोटक बल्लेबाजी पर सचिन तेंदुलकर के ट्वीट की। दोस्तों, साकिब उल गानी ने अपने टेस्ट डेब्यू पर 341 रन ठोके, जिसमें 56 चौके और 2 शानदार छक्के भी शामिल थे। गानी ने बाबुल के साथ मिलकर 538 रनों की शानदार पार्टनरशिप की। गानी के डेब्यू पर खेली गई इस तूफानी पारी से सचिन तेंदुलकर भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने गानी के लिए ट्वीट करते हुए कहा, साकिब उल गानी को रणजी ट्रॉफी डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने गानी से आगे भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उम्मीद जताई है। गानी के लिए डेब्यू में 13 शतक ठोकना और सचिन के तरफ से उनके लिए ये ट्वीट, ये चीजें गानी और बिहार को हमेशा ही याद रहेगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब तक इस मुकाबले में मिजोरम के खिलाफ जो मुकाबला चल रहा है बिहार का, वहां पे 686 रन बनाए थे बिहार की टीम ने अपने पहले इनिंग्स में और अब सर्वर कोहली की शानदार शतक के बदौलत 296 रन तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, मिजोरम की टीम अपने पहले इनिंग्स में अब तक उन्होंने 7 विकेट गंवा दिए हैं। दोस्तों, अगर आप भी साकिब उल गानी को एक अच्छा बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें। और गाइस, आपको क्या लगता है कि आज जो आखिरी दिन का खेल बचा हुआ है, वहां पे बिहार की टीम बेहतरीन गेंदबाजी से इस मुकाबले में बिहार को जीत दिला पाएगी या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो हमें फॉलो करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को भी ऑल पे जरूर से सेलेक्ट कर लेना। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ एंड आई लव यू ऑल।